वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस स्पीयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड एंड दैट वी वर ऑलरेडी डिस्कसिंग एंड टू और थ्री लेक्चर आई हैव टेकन सो फार एंड दैट टुडेज टॉपिक इज. अब इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था. अब ये रैंक स्पीयर्समैन कोरिलेशन है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि रैंक कोरिलेशन जो है तीन केसेस में कैलकुलेट किया जा सकता है. पहला केस था कि व्हेन रैंक्स आर गिवन, जब रैंक्स गिवन है तो आप उस बेसिस पे जो गिवन रैंक्स हैं उनके बेसिस पे आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो. दूसरा केस था कि व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, जब रैंक्स गिवन नहीं है, और जब रैंक्स गिवन नहीं होगी तो जो वैल्यूज़ गिवन होंगी उन वैल्यूज़ के बेसिस पर आपको रैंक असाइन करनी पड़ेगी. और वंस यू विल असाइन द रैंक देन यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस यू कैन कैलकुलेट द कोरिलेशन. अगर रैंक्स गिवन नहीं है, केवल वैल्यूज़ गिवन है, तो उन वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको रैंक असाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद यू कैन प्रोसीड टू कैलकुलेट कोरिलेशन. तीसरा केस था, तो भी हम दो केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जब रैंक्स गिवन है वी हैव डिस्कस्ड, जब रैंक्स गिवन नहीं है तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी इलस्ट्रेशन भी सॉल्व कर चुके हैं. अब तीसरा केस है, मैंने लिखा भी है, केस थर्ड, व्हेन सम रैंक्स और वैल्यूज आर इक्वल, जब कुछ रैंक या वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हैं. हो सकता है कि रैंक्स गिवन हो या हो सकता है वैल्यूज गिवन हो, तो जब वो वैल्यूज इक्वल हैं तो फिर उसको आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में कैसे आप कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे. तो इस केस में जो है, ये जो थर्ड केस है, इसमें दो मेथड हैं. इसमें देयर आर टू मेथड्स क्या क्या वो मेथड है. पहला है आपका, पहला मेथड आपका है ब्रैकेट रैंक मेथड. फर्स्ट मेथड इज ब्रैकेट रैंक मेथड, और दूसरा मेथड आपका है एवरेज रैंक मेथड. कि अगर कुछ वैल्यूज इक्वल हैं तो फिर उनको रैंक प्रोवाइड करके कैसे स्पीयर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, उसके दो मेथड है. पहला ब्रैकेट रैंक मेथड और दूसरा एवरेज रैंक मेथड. फर्स्ट इज ब्रैकेट रैंक मेथड एंड सेकंड इज एवरेज रैंक मेथड. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट रैंक मेथड डिस्कस करेंगे, उसकी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम एवरेज रैंक मेथड को डिस्कस करेंगे और उसकी भी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे. तो एक पहले अब हम एवरेज रैंक ब्रैकेट रैंक मेथड को डिस्कस करते हैं. इसको मैं साफ कर देता हूं एंड वी विल डिस्कस ब्रैकेट रैंक मेथड. ब्रैकेट रैंक मेथड में क्या करते हैं कि मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो जितनी वैल्यू इक्वल होती हैं उनको हम सेम रैंक प्रोवाइड करते हैं. जितनी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं उनको हम सेम रैंक प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद की वैल्यू को हम नेक्स्ट रैंक प्रोवाइड करते हैं. जैसे मान लीजिए कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं कि रैंक आर टू बी असाइंड, ranks are to be assigned to the values twelve, fifteen, eleven, fifteen, eighteen, and fifteen.
ये वैल्यूज हैं कि 12, 15, 11, 15, 18 और 15 को आपको रैंक प्रोवाइड करना है। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें 15 जो है वो तीन बार आया है, यानी कि एक सेम वैल्यू तीन बार रिपीट हुई है। द सेम वैल्यू इज रिपीटेड 3 times इन द गिवन प्रॉब्लम। तो कैसे इसको आप रैंक प्रोवाइड करोगे इन सभी वैल्यूज़ को? तो पहले तो आप लिख लीजिए वैल्यूज़, यानी इसको हम x मान लेते हैं, और फिर इनकी रैंक, यानी इसको आप r x लिख सकते हो। तो पहले आप वैल्यूज़ लिख लीजिए, क्या क्या है, 12, 15, 11, 15, 18 एंड 15। ठीक, अब देखिए, सबसे कैसे हमने बताया था कि जब वैल्यूज़ गिवन हो, रैंक गिवन ना हो तो कैसे करते हैं, जो सेकंड केस था कि अब आप इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखिए, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू इज़ 15, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 18। तो 18 को आप रैंक 1 दे दीजिए, 18 को आप रैंक 1 दे दीजिए। और उसके बाद दूसरी बड़ी वैल्यू क्या है, 15, और 15 जो है तीन बार रिपीट हुई है, 1, 2 और 3। तो ब्रैकेट रैंक मेथड में हमें क्या करना है, ब्रैकेट रैंक मेथड में जो वैल्यू, सेम वैल्यू जो रिपीट हो रही है उसको एक ही रैंक देते हैं। जैसे मान लीजिए 18 के बाद दूसरी बड़ी वैल्यू क्या है, 15, तो 15 को आप क्या रैंक दोगे, सेकंड रैंक दोगे। तो जितनी भी 15 वैल्यू हैं उन सभी को आप सेकंड रैंक दे दीजिए, इस 15 को भी सेकंड रैंक, इस 15 को भी सेकंड रैंक और इस 15 को भी सेकंड रैंक। क्लियर, सेम वैल्यू को तो रैंक दे दी आपने अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट रैंक मेथड। ये याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है या आप कहो कि यो प्रोसेस है रैंक प्रोवाइड करने का, ये केवल ब्रैकेट रैंक मेथड में ही अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट रैंक मेथड द सेम वैल्यू विल बी असाइंड द सेम रैंक, कि आप जो है सेम वैल्यू को सेम रैंक प्रोवाइड कर दोगे। तो 18 तो हाईएस्ट वैल्यू थी तो उसको तो हमने फर्स्ट रैंक दे दी, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट वैल्यू 15 थी तो उसको हमने सेकंड रैंक दे दी, और जितनी भी 15 वैल्यूज थी उसको हमने सेकंड रैंक ही दे दी। अब उसके बाद 15 के बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 12। तो अब 12 को कितनी आप रैंक दोगे, आपको लग रहा होगा कि 12 को हम रैंक थर्ड देंगे, थर्ड नहीं देंगे। अब आप देखिए कि एक 15 को आपने सेकंड रैंक दी, दूसरी 15 को भी सेकंड रैंक दी और तीसरी 15 को भी सेकंड रैंक दी। अगर मान लो ये 15 का रिपीटेशन नहीं होता तो इनकी रैंक क्या होती, सेकंड होती, इसकी होती थर्ड, हो सकती इसकी होती फोर्थ होती। कितनी वैल्यू हो गई, एक, ये तीन वैल्यू है ना, तो तीन अलग अलग रैंक होती कि नहीं होती। अगर ये इसमें 15 का रिपीटेशन नहीं होता, ये 15 है, ये वैल्यू कुछ और होती, ये वैल्यू कुछ और होती, तो इनकी रैंक भी कुछ और होती ना। मान लीजिए ये 15 की जगह होता 14 और ये 15 की जगह होता 13, तो इस 14 को फिर आप रैंक क्या देते, इस 14 को फिर आप रैंक 3 देते, इस 13 को रैंक आप क्या देते, तो आप रैंक इसको 4 देते, ऐसा ही करते। अगर ये मान लो 18 को हमने फर्स्ट रैंक दे दी, 18 के बाद 15 को सेकंड रैंक दे दी, और 15 के बाद फिर से 15 का रिपीटेशन नहीं होता, इस 15 की जगह 14 होता तो 14 को क्या रैंक देते, 3 रैंक देते, और इस 15 की जगह भी अगर 13 होता तो 13 को आप क्या रैंक देते, 4 रैंक देते, ऐसे करते। तो इस 12 को अब हम कितनी रैंक देंगे, हम रैंक 3 नहीं देंगे, अब हम इसको रैंक 5 देंगे, कि अगर ये 15 का रिपीटेशन नहीं होता तो ये रैंक थर्ड और रैंक फोर्थ होती या नहीं होती। ठीक, तो इस 12 को हमने क्या रैंक दी, 5। 12 को हमने 5 रैंक दी तो 11 को अब रैंक क्या दोगे, 6। क्लियर, इस तरीके से हम ब्रैकेट रैंक मेथड में रैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, कि जो सेम वैल्यू है उसको सेम रैंक असाइन कर देते हैं, लेकिन जो दूसरी वैल्यू होती है उसको जो है उसको हम ये मान के रैंक असाइन करते हैं कि अगर वैल्यू का रिपीटेशन नहीं होता तो उनकी रैंक अलग अलग होती, और
उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको रैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब इसकी एक हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं इसकी, किसकी? ब्रैकेट रैंक मेथड की। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कोरिलेशन बिटवीन एंड एक्स एंड वाई ऑफ द रैंक डिफरेंस of the rank difference। क्या क्या दिया हुआ है? x और y दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज दी हुई है। x की वैल्यू दी हुई है 48 और बाई की वैल्यू दी हुई है 13, फिर 33, फिर से 13, देन 40, 24, 9 एंड 6, 16 एंड 15, 16 and 4, 65 and 20, 24 and 9, 16 and 6 and 57 and 19, these are the values। अब देखो इसमें दोनों सीरीज में, x सीरीज में भी 16 वैल्यू रिपीट हुई है एक तीन बार, और वाई सीरीज में भी दो वैल्यू रिपीट हुई हैं, एक 13 और एक 6 और एक ये 6, ये सेम वैल्यू आर रिपीटेड इन बोथ द सीरीज। एक्स सीरीज में भी कुछ वैल्यू का रिपीटेशन है, यानी कि सेम वैल्यू आई हैं, और वाई सीरीज में भी जो है वैल्यू का रिपीटेशन हो रहा है। तो अब आप कैसे इनको रैंक प्रोवाइड करोगे? अब पहले इनको आपको रैंक प्रोवाइड करना है, और उसके बाद फिर आप रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना? तो अब आप देखिए कैसे इसको करोगे। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो पहले तो आप लिख लो यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप लिखिए, इसे साफ कर सकते हैं उसके बाद करें, या नीचे कर देते हैं, इसको हम नीचे ही करते हैं। सॉल्यूशन में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक, अब सबसे पहले वैल्यू लिख लो x, x की वैल्यू कितनी दी हुई है 48, 33, 40, 9, 16, 65, 24, 16 एंड 57। अब
इसकी रैंक हो जाएगी RX, यहाँ वो हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। पहले Y की वैल्यू लिख लीजिए, Y की वैल्यू है आपकी 13, 13, 24, 6, 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 and 19, और यहाँ इसकी रैंक हो जाएगी RY। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम करते हैं। अब कैसे करना है आपको कि अब पहले हम X सीरीज की वैल्यूज़ को रैंक प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद Y सीरीज की वैल्यू को रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हम X सीरीज की वैल्यू को रैंक देते हैं। X सीरीज में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे तो 48, 33, 49, 16, 16, 65 इज द हाईएस्ट वैल्यू इन सीरीज X। तो 65 को तो आप रैंक प्रोवाइड कर दो 1। अब 65 को कैंसिल कर दो, क्योंकि 65 को हमने रैंक प्रोवाइड कर दी है। अब 65 के बाद सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अगर आप देखोगे 57। 65 के बाद सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 57। तो 57 को तो आप रैंक प्रोवाइड कर दो सेकेंड, इसे भी कर दो आप कैंसिल, इसको भी आपने रैंक असाइन कर दी है। अब 57 के बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 48। 57 के बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 48। तो 48 को जो है आप रैंक 3 असाइन कर दो, इज दैट क्लियर। उसके बाद 48 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 40 जो है फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू है, तो 40 को आप फोर्थ रैंक प्रोवाइड कर दो। ठीक, 40 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यानी कि फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 33। तो 33 को आप रैंक 5 असाइन कर दो। ठीक, 33 के बाद सिक्स्थ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 24। तो 24 को आप 6 रैंक प्रोवाइड कर दो। ठीक, और 24 के बाद सेवन्थ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 16। और 16 तीन बार दिया हुआ है, 16, 16 और 16, इसका मतलब है तीनों 16 को आप 7 रैंक दे दो। ठीक, अब केवल वैल्यू बची 9। 9 को क्या रैंक दोगे, 8th रैंक नहीं दोगे। अब मान लो ये 16 है, इसको तो रैंक 7 हमने दे दिया, ये मान लो 15 होता तो इसको रैंक आप 8 देते, और ये मान लो 14 होता तो इसको रैंक आप 9 देते। ये तीन वैल्यू है ना, तो रैंक क्या होती, 7, 8 और 9। 16 तीन बार जरूर आया है, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज 3 हो गए। तो एक 16 को हमने 7 रैंक दे दी, तो दूसरे को क्या होनी चाहिए थी, 8, क्योंकि ये 8th वैल्यू है। इसको क्या होनी चाहिए थी, 9, क्योंकि 9th वैल्यू है। तो अब ये मान के चलो कि आप 9 तक रैंक प्रोवाइड कर चुके हो, तो 9 को क्या रैंक दोगे, 10। 9 की रैंक क्या होगी, 10। ठीक, इस तरीके से हमने रैंक प्रोवाइड कर दी है सभी वैल्यूज़ को। ऐसे ही सेम हम Y सीरीज की वैल्यूज को रैंक प्रोवाइड करेंगे। अब Y सीरीज में आ जाइए। Y सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 24। तो 24 को 1 रैंक दे दीजिए। 24 के बाद सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 20 को आप सेकेंड रैंक दे दीजिए। 20 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 19 को आप 3 रैंक दे दीजिए। 19 के बाद फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 15 को आप 4 रैंक दे दीजिए। 15 के बाद फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू क्या है, फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू आपकी है 13। तो 13 को, और 13 दो बार है, तो ये दोनों 13 को आपने 4 और 4 रैंक प्रोवाइड कर दी। ठीक, 13 के बाद हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 9। अब 9 को क्या रैंक दोगे, मान लीजिए 4 इसको दे दी तो इसकी क्या होनी चाहिए, 5। तो 9 की क्या होगी, 6। 9 को हमने 6 रैंक दे दी, राइट। 9 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 6। तो 6 की क्या रैंक होगी, 7। और 6 दो बार है, एक ये 6 है और एक ये 6 है, दोनों 6 को हमने 7 रैंक प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब देखिए
कि अगर इस सिक्स को सेवन रैंक दिए तो इस सिक्स को रैंक क्या होनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यू है तो हमने रैंक सेम दे दी, लेकिन वैसे क्या होनी चाहिए, इसकी सिक्स है तो इसकी क्या होनी चाहिए एट्थ, इसकी एट्थ है तो फोर्थ की रैंक क्या होनी चाहिए, फोर्थ की रैंक होनी चाहिए नाइन, क्योंकि ये सेवन ये एट ये नाइन, ये रैंक हमने इनको प्रोवाइड कर दी। ठीक, अब देखिए आप एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, 24 को हमने फर्स्ट रैंक दी, 20 को हमने सेकंड रैंक दी, 19 को हमने थ्री रैंक दी, 15 को हमने फोर्थ रैंक दी, अच्छा 15 को फोर्थ दी है तो 13 को फाइव आएगी रैंक ना, ये फोर्थ रैंक हम 15 को दे चुके हैं तो 13 को आएगी फाइव, 13 की होगी रैंक फाइव, इस 13 की भी होगी फाइव, तो नाइन की रैंक होगी सेवन, नाइन को आप रैंक दोगे सेवन, और सिक्स को रैंक हो जाएगी एट, इस सिक्स को भी रैंक एट हो जाएगी, और इस सिक्स को रैंक एट होगी तो आपकी फोर को रैंक क्या होगी, फोर को रैंक होगी टेन, ठीक है ना, क्योंकि इस सिक्स को एट हो गई तो दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए नाइन, तो फोर्थ को क्या होगी रैंक होगी टेन, तो अब आपने सभी वैल्यू को रैंक प्रोवाइड कर दी है। ठीक, अब देखिए अब दोनों रैंक एक्स भी है रैंक वाई भी है, तो अब क्या निकालना है डिफरेंस, यानी आर एक्स माइनस आर वाई, तो करिए थ्री माइनस फाइव माइनस टू, फाइव माइनस फाइव जीरो, फोर माइनस वन थ्री, टेन माइनस एट टू, सेवन माइनस फोर थ्री, सेवन माइनस टेन माइनस थ्री, सेवन माइनस टू फाइव, वन माइनस रैंक डिफरेंस निकालें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, थ्री माइनस फाइव माइनस टू, इसका इसका हो गया फाइव माइनस फाइव जीरो, फोर माइनस वन थ्री, टेन माइनस एट टू, सेवन माइनस फोर थ्री, सेवन माइनस टेन माइनस थ्री, वन माइनस टू माइनस वन, सिक्स माइनस सेवन माइनस वन, सेवन माइनस एट माइनस वन, एंड टू माइनस थ्री माइनस वन, सभी के हमने डिफरेंस भी निकाल लिए, रैंक डिफरेंस जो होता है आर एक्स माइनस आर वाई। ठीक, अब इनका स्क्वायर वैल्यू हमें निकालनी है, अब इस डिफरेंस की आप स्क्वायर वैल्यू निकालोगे तो फोर जीरो नाइन, फोर नाइन नाइन वन 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 एंड वन, इसका टोटल करिए, इसका टोटल क्या होगा, फोर और नाइन थर्टीन, थर्टीन और फोर सेवनटीन, सेवनटीन और नाइन ट्वेंटी सिक्स, ट्वेंटी सिक्स और नाइन थर्टी फाइव, थर्टी फाइव और फोर थर्टी नाइन, और एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज टेन है, नंबर ऑफ वैल्यूज टेन है। ठीक, अब आप इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो, अब आपका रैंक डिफरेंस कोरिलेशन जो है कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, आर आर इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वायर इंटू अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस वन, तो वन माइनस
6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर आया है 39 अपॉन एन कितना है 10, एन का स्क्वायर कितना होगा 100 माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू 39 करिए, 6 इंटू 39 ये आ गया 234 और ये हो जाएगा, ये 99 बचेगा, 99 इंटू 10 990। तो 234 को 990 से डिवाइड करिए, 0.236, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.236। तो कोरिलेशन होगा आपका माइनस 1 इक्वल टू 0.763। दिस इज द रैंक कोरिलेशन। कब? जब कुछ वैल्यूज आर सेम, व्हेन सम वैल्यूज आर सेम, तब जो है आप रैंक ब्रैकेट रैंक मेथड से इस तरीके से आप उसे कैलकुलेट करोगे। जब कुछ वैल्यू इक्वल हैं तो उसमें दो मेथड हैं, पहला ब्रैकेट रैंक मेथड और दूसरा एवरेज रैंक मेथड। ब्रैकेट रैंक मेथड को यूज़ करके हमने ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है, कि जो सेम वैल्यू है उसको सेम रैंक प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद वाली वैल्यू को नेक्स्ट रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो पहले हमने एक्स सीरीज की वैल्यू लिखी, एक्स सीरीज की रैंक निकाली, फिर वाई सीरीज की वैल्यू को हमने नोट किया, वाई सीरीज की रैंक निकाली, फिर रैंक डिफरेंस कर दिया, यानी कि रैंक एक्स माइनस रैंक वाई, तो ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस के स्क्वायर वैल्यू किया, उसका टोटल किया सिग्मा डी स्क्वायर, और जो हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है आर आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा कोरिलेशन आया पॉजिटिव 0.763। ठीक, इसे नोट करिए और इसको समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस एवरेज रैंक मेथड, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज रैंक मेथड को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।